भी आपको लेकर जाएंगे पीटीआई के सिंध हकूक रैली की जानिब, जिससे शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कराची में खिताब कर रहे हैं। इनकी तरजीह कराची नहीं है, इनकी तरजीह अपने इक्तदार को दवाम देना है। ये सुनहरी किस्म के जाल बिछाते हैं, ये चाले चलते हैं, ये नाटक रचाते हैं, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को वरगलाते हैं, हकायक नहीं बताते। लेकिन अब लोगों में सियासी बेदारी आ रही है, अब लोगों में सियासी शऊर पैदा हो चुका है और वो इनके झांसे में मुझे यकीन है अब नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह आपने अजम और इरादे से एक एक यूनियन काउंसिल में, कराची के एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में अगर आप ये पैगाम लेकर जाएंगे और अंदरून सिंध ये पैगाम जब पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है और मेरी सियासी निगाह कह रही है कि 2023 आपका साल है और सिंध में आपकी हुकूमत बन सकती है। अब ये हम पर मुनसर है, सिंध के लोग तैयार हैं। सवाल ये है, सवाल ये है और ये सवाल कायदाबाद के चौक में खड़े होकर तरीके इंसाफ के कारकुनों मैं आपसे करने आया हूं। सिंध के लोग तैयार हैं क्या? तहरीके इंसाफ का कारकुन तैयार है? एक सेकेंड, जहनी तौर पर तैयार हो, अमली तौर पर तैयार हो, नज्म और जब्त से तैयार हो, हौसला है, हौसला है, यकीन है, हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, नजरिया है, ठंडा है, कयादत है, निशान है, तो फिर घबराते क्यों हो? फिर घबराते क्यों हो? फिर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह 2023 में फतह आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह। जब अपना काफिला साथियों, आपने भी शायद मीडिया पे देखा हो, सोशल मीडिया पे पल पल की खबर आती है, इंसान बाद में पहुंचता है, खबर पहले पहुंच जाती है। आपने देखा कि अंदरून सिंध में ना हमारे पास इतनी सीटें हैं, ना एमएनए है, ना एमपीए है, ना नाजमीन, ना चेयरमैन, ना काउंसलर, लेकिन आवाम इनसे इतने तंग है कि आपने देखा लाड़काड़े का जलसा देखा, नवाब शाह का इज्तमा देखा, अरे उमर कोट की रौनक देखी, अरे मिट्टी में इनकलाब देखा, क्या बदीन में तीर को टूटते देखा, क्या टंडो मोहम्मद खान में जम्मे गफीर देखा, क्या टंडो जाम में एक नई लहर देखी, क्या मीरपुर खास में तब्दीली देखी? अगर ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा है तो सिंध तैयार हो। क्या सिंधी, चाहे उर्दू बोलने वाला है या पश्तो बोलने वाला है या सिंधी बोलने वाला है, इन्होंने तकसीम किया, इन्होंने सिंध को तोड़ा, अपने मफादात की सियासत
इन्होंने लसानियत के फेकावारियत के बीज बोए, हम सिंध को जोड़ने आए हैं, तीर को तोड़ने आए हैं। क्या कायदाबाद के बादशाह कारकुनों, क्या तीर को तोड़ने की हिम्मत है? देखो बिलावल हाउस यहां से काफी दूर है, मैं चाहता हूं कि ये आवाज कम से कम इस्लामाबाद नहीं तो बिलावल हाउस तो पहुंचा सकते हो ना, इतना दम होगा तुम में, इतना होगा है। क्या तरीके साफ के कारकुनों, तीर को तोड़ने की हिम्मत है? क्या सिंध को जोड़ने का इरादा है? तो जुड़ गया सिंध, टूट गया तीर और इससे उभरेगा नया पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी कराची में हकूक सिंध मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने बराह रास्त मुलाहिजा की।